दोस्तों, आज स्टॉक एनालिसिस करेंगे। उसका नाम है जेनेस लेबोरेटरी लिमिटेड। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की कमेंट्स आ रही थी कि जेनेस लेबोरेटरी लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस किया जाए, तो मैंने सोचा कि आज उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए ही वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 7.74 रुपीज़ पे। दोस्तों, वीडियो में बाहर बना रहा हूँ तो बैक साइड में आपको कुछ आवाज़ें आ सकती हैं, आप उसे अवॉइड कीजिए। दोस्तों, हम चेक करते हैं स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया हुआ है। पहले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पे। तो मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 597.30%। हाईएस्ट में रिटर्न दिया हुआ है 10.89%। 1 ईयर में रिटर्न दिया 60.91%। ईयर टू डेट जो रिटर्न दिया है 56.68%। 6 मंथ में रिटर्न दिया हुआ है 78.34%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है -24.56%। 5 डेज में रिटर्न दिया 7.20%। और 1 डे में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -1.28%। दोस्तों, मैं आ गया हूँ स्क्रीनर वेबसाइट पे और यहाँ पे हम और डिटेल एनालिसिस करेंगे जेनेस लेबोरेटरीज लिमिटेड का। तो दोस्तों, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है केमिस्ट्री के बारे में, फार्मा कंपनीज कौन से दवाइयाँ बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, वो सब चीज़ें के बारे में हम जेनेस लेबोरेटरीज लिमिटेड के एनालिसिस में देखेंगे। जेनेस लेबोरेटरीज इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स। जो कंपनी है जो बेसिकली जो काम करती है, धंधा करती है, जो व्यापार करती है, वो बल्क ड्रग्स की ये करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इंटरमीडियरीज मैन्युफैक्चरिंग करती है ये बल्क ड्रग्स एंड इंटरमीडियरीज की। इट सेल्स टू कस्टमर्स इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। ये जो है सेल करती है कस्टमर्स को दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। इसके जो की पॉइंट्स है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इस कंपनी के पोर्टफोलियो में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स ड्रग्स लाइक गुएफ फेनेसिन। इसका जो कंपनी जो बनाती है, जो ड्रग्स जो बनाती है वो है गुएफ फेनेसिन, मिथो कार्बोमोल, फ्लुकोनाजोल, फेनाजो, पायरिडीन, मेटफॉर्मिन, एम्ब्रोक्सोल एंड अदर्स, और अदर्स भी ड्रग्स बनाती है। बाकी जो इसको थेरापेटिक सेगमेंट है उसमें जो ड्रग्स बनाती है, इट्स प्रोडक्ट्स आर स्प्रेड ओवर मेजर थेरापेटिक सेगमेंट सच एज एक्सपेक्टोरेंट्स, मसल रिलैक्सेंट, जब आपके मसल्स में पेन होती है, दर्द होता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखते हैं। मसल रिलैक्सेंट बनाती है, एनाल्जेसिक बनाती है, आपको बुखार आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, एनाल्जेसिक बनाती है। एंटी फंगल ड्रग्स बनाती है, आपके स्किन में कुछ जैसे क्या धब्बे आ जाते हैं, कुछ मतलब पोड़ी टाइप आ जाता है, तो एंटी फंगल ड्रग्स भी बनाती है। एंटी डायबिटिक, अभी जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ लगती हैं वो एंटी डायबिटिक दवाइयाँ भी बनाती हैं। ग्लोबल प्रेजेंस, ये जो कंपनी है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ में अपना जो बिजनेस करती है वो हम देखते हैं। प्रेजेंटली द कंपनी हैज प्रेजेंस अक्रॉस 30 कंट्रीज। ग्लोबल प्रेजेंस देखते हैं कंपनी की। प्रेजेंटली द कंपनी हैज प्रेजेंस ओवर 30 कंट्रीज। जो कंपनी है जेनेक्स लेबोरेटरी लिमिटेड, वो 30 देशों में अपना धंधा करती है, व्यापार करती है, 30 देशों में इसका जो बिजनेस है वो फैला हुआ है। एक्सपोर्ट्स टू कंट्रीज लाइक, और एक्सपोर्ट भी करती है इन देशों में, USA, कोलम्बिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, ईरान, इजिप्ट, जॉर्गन, बांग्लादेश एंड अदर्स, ये सब कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती है अपने ड्रग्स का, जो दवाइयाँ बनाती है।
और अदर्स कंट्री में भी ये निर्यात करती है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 20 इंडिया अकाउंटेड फॉर 59% ऑफ रिवेन्यू। जो वित्तीय वर्ष 2020 था उसमें जो इसके बाद जो कंपनी के पास जो रिवेन्यू आया उसमें 59% जो रिवेन्यू था वो इंडिया से आया, और उसके बाद फॉलोड बाय इजिप्ट, इजिप्ट से 11% रिवेन्यू आया, ईरान से 9%, पेरू से 4%, वियतनाम से 4%, स्पेन से 3%, जर्मनी से 2%, ग्वाटामाला से 2% एंड अदर कंट्रीज 6%। तो देख रहा है काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी फैला हुआ इनका जो बिजनेस है, व्यापार है, वर्ल्ड की 30 कंट्रीज़ में ये इनका बिजनेस फैला हुआ है और काफ़ी अच्छी ग्लोबल प्रेजेंस है, और ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज से इनका जो आता है, इनकी आय होती है, इनका रेवेन्यू आता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखते हैं, द कंपनीज़ ओनली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज लोकेटेड इन बोलाराम तेलंगाना। जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बोलाराम में ये है, स्थित है, जो कि तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। डेक्कन रेमेडीज लिमिटेड, दिस इज एन एसोसिएट कंपनी विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 करोड़ बाय द कंपनी। जेनेक्स ओन 44% इन दिस एसोसिएट्स। जो डेक्कन रेमेडीज लिमिटेड है ये इसकी एसोसिएट कंपनी है जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड की, लेकिन 44% जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड की ये हिस्सेदारी है, स्टेक है। द एसोसिएट हैज़ लैंड ऑफ ओवर 35 acres इन जहीराबाद नियर हैदराबाद। उनके पास 35 acres लैंड है जहीराबाद में, जो कि हैदराबाद के पास पड़ता है, विथ ओवर 2 lakh square feet ऑफ कंस्ट्रक्टेड स्पेस एंड वुड पोस्ट ए लार्ज स्केल प्लांट विथ ओवर 500 metric tons ऑफ कंसोलिडेटेड कैपेसिटी फॉर बोथ API एंड formulations. The plant is non-operational and the management is trying to get approval from Pollution Control Board since many years. मतलब ये plant अभी non-operational है, लेकिन जैसे उन्हें approval मिलेगा तो ये plant भी चालू हो जाएगा। हम इसी वेबसाइट चेक करते हैं जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड की, जैसे हम आ गए हैं जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड की वेबसाइट पे। वेबसाइट पर लाने का मकसद मेरा एक ही है कि जब भी आप इसकी वेबसाइट पे आएँ तो यहाँ पे आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। कभी कुछ कंपनी की वेबसाइट ओपन नहीं होती, लेकिन इस कंपनी की वेबसाइट ओपन हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, आप वेबसाइट पे आके इसकी जो डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों वापस हम आ गए हैं इसकी वेबसाइट पर। गणेश लेबोरेटरीज लिमिटेड की जो मार्केट कैप है वो 96.5 करोड़, उसकी जो करंट प्राइस है वो 7.63 रुपीज़ की है। 52 वीक जो हाई है 12.90 रुपीज़ का है, एंड जो 52 वीक लो है 13.41 रुपीज़ का। स्टॉक की जो पी है वो 19.3 की है। जो बुक वैल्यू है 13.15 रुपीज़ की है। डिविडेंड 0 की है। ROC 14% की है। ROE 11.4% की। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज़ की है। दोस्तों जैसे कि आप लोग चार्ट से देख रहे हैं, जेनेक्स लेबोरेटरी लिमिटेड ने एक साल में काफ़ी शानदार रिटर्न दिया हुआ है। क्रॉज में कुछ डिटेल्स नहीं, कंपनी कौन चेक करते हैं जेनेक्स लेबोरेटरी लिमिटेड की। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग लिमिटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.14% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है, 9.14% की है। प्रोमोटर्स होल्डिंग, जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है, 22.05% की है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी और 7.87% फॉर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो है, 7.87% का है। फिर कंपनी से चेक करते हैं कंपनी की, जो कंपनी काम करती है बेसिकली फार्मास्यूटिकल ब्लड ड्रग्स के सेक्टर में काम करती है। इसकी जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल है, सेक्टर में जो नंबर वन कंपनी है डिवीज लैब है, देन ग्लैंड फार्मा है, उस पर लुपिन है, देन जो बिलेंट फार्मा है, उसके बाद ग्रेन्यूज इंडिया है, देन इकाल है, देन सिक्वेंट साइंसेस है, उस पर नंबर 8 पे है जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड। सो क्वार्टरली जो चेक करते हैं, सितंबर 2018 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 0.89 करोड़ का था, और 2021 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1.62 करोड़ का है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा रिपोर्ट किया है कंपनी। सितंबर 2018 में जो
प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 0.49 करोड़ का, और जून 2021 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 1.30 करोड़ का। तो 2018 में जो नेट प्रॉफिट था वो था 0.48 करोड़ का, और जून 2021 में जो नेट प्रॉफिट है वो है 0.95 करोड़ का। हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं जेस लेबोरेटरीज लिमिटेड का, मार्च 2010 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 0.30 करोड़ का था, और मार्च 2021 जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 6.53 करोड़ का। मार्च 2010 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था -0.60 करोड़ का, मार्च 2021 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 5.06 करोड़ का। मार्च 2010 में जो नेट प्रॉफिट था वो था -0.70 करोड़ का, और मार्च 2021 में जो नेट प्रॉफिट है वो है 4.04 करोड़ का। कंपनी के अदर डिटेल चेक करते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में 12%, 5 ईयर्स में 9%, 3 ईयर्स में 11%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ चेक करते हैं, 10 ईयर्स में है 26%, 5 ईयर्स में 13%, 3 ईयर्स में 73%। स्टॉक प्राइस एरिया 10 ईयर्स में 22%, 5 ईयर्स में 2%, 3 ईयर्स में है 24%, 1 ईयर 59%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 5%, 5 ईयर्स में 7%, 3 ईयर्स में 8%, लास्ट ईयर में 11%। बैलेंस चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो टोटल एसेट की वो थी 30.14 करोड़, और मार्च 2021 में जो टोटल एसेट है वो 59.08 करोड़। कैश फ्लो चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो नेट कैश फ्लो था वो -0.16 करोड़ का था, और मार्च 2021 में जो नेट कैश फ्लो है वो है 0.16 करोड़ है। यहाँ पे नेट कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है। रेशियो चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो ROC थी वो थी -1.44%, और मार्च 2021 में जो ROC है वो है 14.01%। शेयर होल्डिंग पॉइंट चेक करते हैं, जिनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड की जो प्रमोटर के पास शेयर है वो 22.06% है सितंबर 2018 में, और जून 2020 में प्रमोटर के पास जो शेयर है 22.05% शेयर है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। सितंबर 2018 पब्लिक के पास जो शेयर है 27.94% शेयर थे, और जून 2021 पब्लिक के पास जो शेयर है 77.95% शेयर है। जैसा देख रहे हैं प्रमोटर्स की और पब्लिक की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। दोस्तों हमने डिटेल एनालिसिस किया जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।